के, मैं वन सेकंड आपको बता रहा हूं, जब भी कोई काम औरों से यानी किसी बंदे से आप हट कर करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, यूनिक करना चाहते हैं, वहां पे आप एक वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश का, आउट ऑफ द बॉक्स। इट मींस कि कुछ भी हट के करना, कुछ भी हट के सोचना। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड लेकर आया हूं, जिसका यूज़ आजकल स्पोकन इंग्लिश में और न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। वो हमारा वर्ड है आउट ऑफ द बॉक्स। जिस गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपको मस्ट सीखना चाहिए ताकि आप भी आइंदे से इसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकें। आइए इसकी हिंदी देखते हैं कि कैसे समझेंगे। इसकी हिंदी होती है कुछ भी हट के सोचना, यानी कुछ अलग करना, औरों से अलग करना, यानी वो क्या काम कर रहा है, इट डजंट मैटर, आप उनसे, आप उससे हट कर करना चाहते हैं कोई काम, यानी एकदम यूनिक हो, तो वहां पर हम यूज करेंगे आउट ऑफ द बॉक्स। आई होप आप समझ रहे होंगे। आइए इस पर कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप बेटर समझ सकें। बस आपको ये ध्यान देना है कि आप जो भी कर रहे काम सबसे अलग हो, वो हट कर हो, ठीक है, सबसे एक न्यू तरीके से हो, तो वहां यूज करेंगे आप आउट ऑफ द बॉक्स। जिसे हमारा पहला एग्जाम्पल है गाइस कि वह हमेशा कुछ हट के सोचता है, यानी सबसे वो अलग है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट लिखना है जो वो बंदा कर रहा है हट के, तो कौन है, ही, राइट, ही है ना। उसके बाद हमेशा तो क्या होगा, ही ऑलवेज, राइट, क्या होगा, ही ऑलवेज। देन आपका जो वर्ब है क्या है, सोचना, तो सोचना क्या होता है, थिंक लगा देंगे, क्या होता है, कमॉन, क्या होता है, थिंक कर दिया। अब उसमें आप इस लाइन में क्यों, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन ही है, राइट है, तो आप क्या बना, ही ऑलवेज थिंक्स क्या है, कुछ हट के करना, तो आपका क्या होगा, आउट ऑफ द बॉक्स, तो लगा देंगे आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राइट। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट है कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, नहीं कहते हैं यार लोग तो वही काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे हट के कुछ यूनिक करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो सेंटेंस बोलने का जो सेंस यही है। चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल कैसे बनेगा, पहले हम, सॉरी, पहले मैं, तो आई हो जाएगा, उसके बाद कहें चाहता हूँ तो क्या होता है, आई वॉन्ट टू, आप जानते हैं ये पहले से, आई वॉन्ट टू, ठीक है, आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू, है ना, यहाँ पे क्या है, करना, आई वॉन्ट टू डू, है ना, कुछ अलग है, तो क्या आपका होगा, आउट ऑफ द बॉक्स, तो आई वॉन्ट टू डू आउट ऑफ द, आउट ऑफ द बॉक्स, तो आपका सेंटेंस बन गया कि आई वॉन्ट टू डू आउट ऑफ द बॉक्स, कि मैं कुछ हट कर कुछ अलग करना चाहता हूँ। आइए दोस्तों हमारा लास्ट सेंटेंस है, हमें इस काम के लिए ना कुछ अलग सोचना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हमें तो वी होगा, उसके बाद ये आपका मॉडल्स यानी मॉडल्स है, चाहिए तो क्या होता है, शुड, वी शुड, राइट, वी शुड गया, उसके बाद क्या है, सोचना, तो क्या होगा, वी शुड थिंक, वी शुड थिंक, और क्या है, कुछ अलग, तो क्या आपका हो जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स, तो आप लिख देंगे आउट ऑफ द बॉक्स, ये आपका लाइक आई एम वर्ड है। उसके बाद क्या, इस काम के लिए, तो लिए क्या होगा, फॉर, और इस काम के लिए, तो फॉर दिस, कम ऑन, क्या रहेगा, फॉर दिस वर्क। ये था गाइस आपका टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स, आई होप आप समझ गए होंगे। मैं वन सेकंड आपको बता रहा हूं, जब भी कोई काम औरों से यानी किसी बंदे से आप हट कर करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, यूनिक करना चाहते हैं, वहां पे आप एक वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश का, आउट ऑफ द बॉक्स। इट मींस कि कुछ भी हट के करना, कुछ भी हट के सोचना। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूले दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों अपने माइंड से इसी से रिलेटेड आप एक सेंटेंस लाइक कमेंट में बना के दिखाइए, ताकि मैं जान सकूं आप इस वीडियो से क्या सीखा है। तो आप इस वीडियो में आप लास्ट में मुझे लाइक कमेंट में दिखा देंगे कोई भी शब्द लेके, कोई भी सेंटेंस लेके, जो इसकी मीनिंग क्या हो, कुछ भी हटके सोचना या फिर कुछ हटके करना। तो चलिए फिर दोस्तों, मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ, आप किस तरह का सेंटेंस बनाते हैं मैं देखना चाहूंगा। और चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।